Good evening. This is your physics class. Now we were doing the errors. ठीक है, हमने errors किया था. So far हमने errors के formulas drive किए थे. ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं पहले. ठीक है, तो ये मेरे पास formula निकल के आ रहा है. सबसे पहले sum of quantities का, इसी तरह से difference of quantity का, product का था, ये divisibility का था. तो ये formulas हमने कल drive किए थे. ठीक है, last सेशन के बीच में हमने ये सारे फॉर्मुलेस ड्राइव किए थे. ठीक है, आज हमने इन्हीं फॉर्मुलेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने. ठीक है, एक बार ये फॉर्मुलेस गो थ्रू हो जाओ. ठीक है, टेक वन मिनट, ये सारे फॉर्मुलेस एक बार रिवाइज कर लो. ठीक है, क्योंकि आज हमने इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना. ठीक है, न्यूमेरिकल्स, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में एड हो रही है तो एरर क्या निकल के आएगा, डिफरेंस का मतलब निकल के आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या आंसर निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है. तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई आ गए तब क्या निकल के आ रहा है, डिवाइड हो रही है तब क्या निकल के आ रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है, एक फॉर्मूला और है. ठीक है, द नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म्स में है, अगर मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है एक्स रेज टू पावर एम, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम डिवाइड बी रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई सी रेज टू पावर क्यू, तब एरर का फॉर्मूला, तो हम ये इसे कहते हैं फ्रैक्शनल एरर. ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रैक्शनल एरर वी कैन इजीली कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. ठीक है, सो ये फाइव फॉर्मूलेस याद रखिएगा, हमने ये लास्ट टाइम लास्ट सेशन के बीच में ड्राइव किए थे, आज हम इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर देंगे. ठीक है, सो सबसे पहला न्यूमेरिकल ही जो मैं आपको डालने लगा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो. ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा. तो अपनी कॉपीज के ऊपर पहले लिख लीजिए क्वेश्चन. ठीक है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, फाइव प्लस सेवन, 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द एरर लिमिट्स. कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द एरर लिमिट्स. आई एम गिविंग यू वन मिनट, एक मिनट के बाद मुझे आंसर चाहिए. ठीक है, एक मिनट के बाद मुझे आंसर चाहिए, जल्दी करिए. अब पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो ये तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, पीछे मैंने आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था, तो क्या निकल के आएगा. सो वो फॉर्मूले को देखिए, सॉल्व करके सोचिए कैसे निकल के आएगा आंसर. Thank you.
हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व बेटा, किसी का? चलो अगर कुछ सॉल्व किया है तो साथ साथ मैच करिए, ठीक है, साथ साथ मैच करना शुरू करिए कि आपने क्या लिखा और मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। सो सबसे पहले तो L, अब आपके पास क्या निकला है, 5 डेसिमल प्लस माइनस 0.1 एरर लिमिट के साथ है, 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ये भी एरर लिमिट के साथ है, ठीक है। तो एरिया A, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जब आप A निकाल रहे हो ना, ठीक है, तो यहां पर आपको एरर्स नहीं उठाने, लेंथ के एरर्स नहीं उठाने, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स जो आपकी निकल के आ रही है ये नहीं उठानी, सिर्फ L की वैल्यू उठानी है और B की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ये सारा मल्टीप्लाई करके मेरे पास निकल के आ रहा है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे डेल्टा A चाहिए, अब डेल्टा A, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैंने ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लिखा, मतलब बंदे को देख के पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला मेरे पास ये निकल के आ रहा है, ये यहां पर क्या था, x इज इक्वल टू a इंटू b था, तो ये क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b, तो यहां पर फिर मेरे पास ये क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा l अपॉन b, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, एल आएगा सभी, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन, यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दूंगा जो मैंने निकाली है, ठीक है। अभी डेल्टा एल में को दिया हुआ है क्वेश्चन के बीच में, ये 0.1 वो वैल्यू पुट कर दी, 5.7, 0.2, 3.4 ये वैल्यूज पुट कर दी, यहां से डेल्टा ए मेरे पास निकल के आएगा अगर ये 19.38 इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज योर कैलकुलेशन, ये आपको खुद करनी है कैलकुलेशन, मैंने नहीं करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है, और ये सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास निकल के आ रहा है 1.48, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है जी। देयरफॉर जो आपका फिर एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट, तो वो मेरा क्या निकल के आएगा, 19.38 प्लस माइनस 1.48 ब्रैकेट डाल के लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट डाल के लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है, सारा ध्यान में रखना, प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पे चलना है, वैल्यूज पुट करनी है, सारा दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है जी। अच्छा अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज एरर, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज एरर देन रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू फाइंड, नोट कर लो, वी हैव टू फाइंड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। सो there is no need to solve x, x को solve करने की जरूरत नहीं है इसमें, जैसे पीछे, ठीक है, मैं पीछे कर रहा हूं एक मिनट, जैसे यहां पर पीछे a को solve किया था ना, अगर यही वो बोल देता कि परसेंटेज निकालिए तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 निकालना था, एट दैट टाइम मुझे a सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं थी, मेरा टाइम बचता फिर इसमें,
ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसमें परसेंटेज एरर का अगर ये क्वेश्चन होता तो ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर देना था, स्किप कर देना था, ये नहीं लिखना था, ये तीन स्टेप्स मेरे नहीं आने थे इसके बीच में, ठीक है, और ये वाले स्टेप्स भी नहीं आने थे बीच में जो ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तब यहां पर ये वाला निकल के आना था, इसके बाद इनटू 100 करना था, वैल्यूज पुट करनी थी, आंसर आना था, ठीक है। सो मैं अगला क्वेश्चन परसेंटेज एरर के ऊपर ही डाल रहा हूं, आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है, परसेंटेज एरर के ऊपर ही डाल रहा हूं, बात क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज में साथ साथ लिख लूंगा, बाकी क्वेश्चन लिखिए। ए बॉडी ट्रेवल्स, लिख लो ए बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस ऑफ 13.8, ठीक है, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन ए टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स, ठीक है, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स। अब ये परसेंटेज एरर नहीं आ रहा, विद एरर लिमिट्स, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, परसेंटेज एरर आगे निकल के आ रहा है क्वेश्चन के पार्ट, इट व्हाट इज परसेंटेज एरर इन वी, वेलोसिटी के अंदर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना आपको, करो जरा एक मिनट का टाइम, करो सॉल्व इसे, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है वी का विद एरर लिमिट्स, जल्दी से करो। चलो पहली बात तो डिवाइड का फॉर्मूला, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखने वाला हूं एस अपॉन टी, बंदे को अगर ये पता चल गया, ठीक है, तो वहां पर हाँ आप एस और टी को पहले रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो वी मेरा डिवाइड करके निकल के आ रहा 3.5, ठीक है, 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आई वॉन्ट टू कैलकुलेट डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, डेल्टा वी, वी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, यहां पर सभी वैल्यूज पुट कर देनी है, क्वेश्चन में दी हुई है सारी वैल्यूज, क्वेश्चन में से उठा के मैं वैल्यूज पुट करता जा रहा हूं, तो ये डेल्टा वी आपका सारा सॉल्व करके निकल के आ रहा है, ठीक है, सॉल्व आपको खुद करना है, कैलकुलेशन बाद में करिए। देखो वी प्लस माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दो 3.45 प्लस माइनस 0.31 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी ये मेरा फर्स्ट पार्ट निकल के आया, अभी दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सेकेंड पार्ट, अब मैं सेकेंड पार्ट के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, अब मेरे को परसेंटेज एरर निकालना, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 करना, ठीक है। अब डेल्टा वी निकाल लिया आपने 0. मतलब डेल्टा वी अपॉन वी, मतलब इस स्टेप को ऐसा करिए,
यहां पर लिखते हैं 0.31 डिवाइडेड बाय 3.45 इनटू 100, और ये सारा सॉल्व करके मेरे पास निकल के आ रहा है प्लस माइनस 8.95%। तो ये परसेंट का फॉर्मूला है, आपने जूनियर क्लासेस सेवंथ क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज, आप इनटू 100 कर देते हो, एट एंड आपको परसेंटेज का साइन लगाना, ठीक है। क्लियर है यहां तक? और न्यूमेरिकल्स इजी है, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन के ऊपर और जाते हैं, पता करेंगे वो आता कि नहीं आता, ठीक है। अब मुझे ये फॉर्मूला दे दिया इसने, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब। अब देख के पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, मोर ओवर, ठीक है। अब x है, अब परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 2%, 1%। अब ये क्वेश्चन के अंदर मुझे ऑलरेडी परसेंटेज एरर दे दिया, कॉमा 3%, 4%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स के अंदर मेरे को परसेंटेज एरर पता करनी है। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एक्स, लगाओ अपना दिमाग। तो क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन बाकियों के क्वेश्चन से ज्यादा इजी है, तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, देन फर्दर सीधा ही ये लिखना, यही चीज लिखनी है सीधी, ठीक है जी। तो मैं सीधा रिजल्ट लिखने वाला हूं अभी यहां पे, प्लस माइनस डेल्टा ए 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, अब यही रिजल्ट किया था हमने, चाहे डिनोमिनेटर में था, रहना प्लस का साइन ही है। अब अंडर रूट का मतलब है हाफ, ये चीज आ गई थी, ध्यान से नोट करिए। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या लिखने वाला हूं, अगले स्टेप में इनटू 100 करूंगा। अगर इनटू 100 कर दूंगा तो यहां पर अब मैं इनकी परसेंटेज एरर्स लिख सकता हूं। अब डेल्टा ए अपॉन ए ऑलरेडी मुझे गिवन है, दैट इज 2%, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, परसेंटेज एरर इन ए का मतलब होता है डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2% दिया हुआ मुझे, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू परसेंटेज एरर, मुझे इसका क्या दिया हुआ, 2% दिया हुआ, ठीक है। तो यहां पर मैं सीधी वैल्यूज पुट करने वाला हूं, दैट इज 2%। लेफ्ट हैंड साइड में याद रखिएगा, परसेंटेज में अगर किसी को डाउट है, लेफ्ट हैंड साइड में 100 आता है, राइट हैंड साइड में परसेंटेज का साइन आता है। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, इनटू 100 किया, राइट हैंड साइड में मैंने परसेंटेज का साइन लिखा, ठीक है, अगर जूनियर क्लास का भूल गया हो तो। प्लस 3 ये मेरे को दिया हुआ इनटू 1%, वैल्यूज पुट कर दो बस, ठीक है। दिस इज 3%, दिस इज 4%, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कर लो आंसर आए। सो परसेंटेज में याद रखो, पहली बात तो भूल गया हो अगर यूनिट क्लास का, लेफ्ट हैंड साइड में 100 आना है,
राइट हैंड साइड में परसेंटेज का साइन है, सारा सॉल्व करके आपके पास आएगा प्लस माइनस 12%. दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, इसमें कुछ भी नहीं. कभी कभी बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है. सो होप सो क्लियर हो गया होगा. हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. चलो मूविंग फर्दर, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं, इजी है. एरर्स के न्यूमेरिकल आपको तंग नहीं करते, ठीक है. पेपर में भी आपको एरर्स के न्यूमेरिकल तंग नहीं करने वाले, ठीक है. अब याद रखिएगा इस बात को, बस आपको फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए. कभी कभी कुछ क्वेश्चन के बीच में फॉर्मूला नहीं देते, ठीक है. अभी तो हम बहुत सिंपल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे चल के, मतलब कुछ चैप्टर्स करने के बाद, मतलब अगर हम फाइनल पेपर की, फाइनल एग्जाम की बात करें या कंपटीशन की बात करें, ठीक है. तो कंपटीशन के बीच में हमें जो एरर्स का क्वेश्चन आता है उसमें फॉर्मूले के बारे में कोई बात नहीं करते. तो मतलब वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं बीच में कि बच्चों का फॉर्मूला याद रहता कि नहीं रहता, ठीक है. बीच में सारा कुछ चेक करने की कोशिश करते, तो वो इतना ईजी नहीं निकल के आएगा एट दैट टाइम, ठीक है. हमने ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए, ठीक है. प्रोडक्ट का भी कर लिया, डिविजिबिलिटी का भी कर लिया, एक्सपोनेंशियल का भी कर लिया. सो बेसिकली यही 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स मेरे पास निकल के आते हैं एग्जाम्स के बीच में, ठीक है. इससे ज्यादा टाइप के मेरे पास न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं है, ठीक है. फिर भी मैं आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है. अब आपके पास जो भी बुक पड़ी हुई है, वट एवर कोई भी बुक है, तो उसके बीच में आप डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा एरर्स के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एरर्स के क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ है ही नहीं, तंग कर ही नहीं रहे एरर्स के क्वेश्चन आपको, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इजी लेते हैं, इजी क्वेश्चन. अभी तक मैं वही फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूं जिसके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है. मैं कॉम्प्लेक्स ले भी नहीं सकता. So, potential difference यहां पर ऑलरेडी गिवन है. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू दिया हुआ 20 प्लस माइनस, ठीक है, वोल्ट है, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 8 प्लस माइनस 2 ओम. कैलकुलेट करंट विद एरर लिमिट्स, करंट की वैल्यू फाइंड करिए विद द एरर लिमिट्स. कैलकुलेट करंट विद द एरर लिमिट्स, आपको करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस.
क्या है आंसर? ये वाला आंसर मैंने नहीं निकालना है, ये निकालना आपने है। चाहे टेक योर टाइम, चाहे 5 मिनट ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका आंसर निकालना आपने है। और मुझे इसका आंसर बताइए क्या निकल गया। क्या आंसर आ रहा है बेटा? करंट विद द एरर लिमिट्स बताना आपको, पहले करंट फिर प्लस माइनस एरर। क्या बोल रहे हो, क्या आंसर आ रहा है आपका? 60 बेटा, एरर कितना आ रहा होगा? एरर बोलो, एरर कितना आ रहा है? पहले आई बोलो कितना आ रहा, फिर डेल्टा आई बताओ कितना आ रहा है। क्या हो गया? इतने तो होशियार हो सारे के सारे, फिर भी या आदत कैलकुलेटर यूज करने की पड़ी हुई है। कैलकुलेटर अब यूज होना नहीं क्योंकि मोबाइल में काम कर रहे हैं हम। जीरो पॉइंट सेवन फाइव आपका आ रहा है डेल्टा आई। तो आई कितना निकल के आ रहा है? 2.5। वेरी गुड, हर्षुल ने निकाल दिया आंसर, ठीक है, मैं इसे नहीं बता रहा आगे, ठीक है। तो आई आपका निकल के आ रहा है दैट इज 2.5 और डेल्टा आई आपका निकल के आ रहा है 0.75, ठीक है। सो देयरफॉर कंबाइंड आंसर अगर करके लिखोगे करंट विद द एरर लिमिट, तो वो निकल के आ रहा है 2.5 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इधर, ठीक है, एम्पेयर। यूनिट्स लिखना मत भूलना, परसेंटेज एरर में यूनिट्स आते नहीं है, ठीक है, और बाकियों में सभी में यूनिट्स आएंगे। यूनिट्स लिखे बगैर अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। बेटा फिर मुझे सुनाई नहीं दिया, या तो आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा था, गुस्सा ही आ गया रेवा को, रेवा तो पिटाई करने लगी मेरी। खैर चलो, इससे ज्यादा गुस्सा ना आए। अच्छा बुक्स हैं सभी के पास? नो सर। ओहो, बाकियों के पास है? तवलीन के पास तो नहीं है, बाकियों के पास? नो सर। चलो, ऑनलाइन नेट तो सभी के पास गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर इंटरनेट सभी के पास है तो अपनी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन के एरर्स निकाल लिए, ठीक है, एरर्स के क्वेश्चन निकाल लिए, या फिर सिंपल गूगल के ऊपर टाइप करके देखिए, ठीक है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑफ द एरर्स क्लास प्लस वन फिजिक्स, तो आपके पास वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर आपको एनसीईआरटी मिलती है तो एनसीईआरटी के बीच में एक सॉल्व क्वेश्चन है रेजिस्टेंस के ऊपर, सीरीज और पैरेलल का, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी की बुक के बीच में, आपको वो क्वेश्चन करके रखना है, सॉल्व करके रखना है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो कल पूछना है, ठीक है। तो मैं कल फर्स्ट यूनिट की तरफ ही आगे बढ़ूंगा, थोड़ी सी थ्योरी बाकी पेंडिंग है मेरी फर्स्ट यूनिट की, ठीक है, मैं फर्स्ट यूनिट की थ्योरी की तरफ ही आगे बढ़ूंगा कल, ठीक है। लेकिन